सोशल मीडिया में मध्य प्रदेश के रहने वाले डांसिंग अंकल की तरह चाय वाली आंटी भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका चाय पीने का और चाय पिलाने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोगों को ये अंदाज बहुत लुभा भी रहा है। उनका ऐसा अंदाज देखकर लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस चाय वाली आंटी का नाम सोमवती महावत है और ये एक वीडियो ब्लॉगर है। आज उनके सोशल मीडिया में 400 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं। लगभग उनके 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कम से कम 15 सेकंड का एक वीडियो बनाया था जो काफी हिट साबित हुआ। सोमवती महावत अक्सर अपने वीडियो में कुछ ना कुछ खाते पीते नजर आती हैं और यही नहीं, वो लोगों को ऑफर करते भी नहीं चूकती। चाय के अलावा भी इसमें आम, तरबूज, पनीर और आलू का पराठा भी लोगों को वो ऑफर करती हैं। पर जिस वजह से वो चर्चा में है वो है उनकी चाय। और अगर आप उनके द्वारा बार बार चाय ऑफर करने से प्रेरित होंगे तो ये आपकी सेहत के लिए कितना भारी पड़ सकता है ये हम आपको बताते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये हमारी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। चाय ज़्यादा पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल चाय में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड पाया जाता है जिसे खाली पेट सुबह पीने से पेट के रस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें जितना हो सके खाली पेट तो भूल कर भी चाय नहीं पीनी चाहिए। वहीं अध्ययन के अनुसार पाया गया कि जो लोग खाली पेट बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं तो उन्हें थकान का एहसास होने लगता है। चाय में दूध मिलने से एंटीऑक्सीडेंट का असर खत्म हो जाता है। खाली पेट कड़ी चाय पीने से पेट को सीधा नुकसान भी पहुंच सकता है। वहीं अगर आप कड़ी चाय पीने के शौकीन हैं तो कड़ी चाय से पेट में अल्सर और एसिडिटी जैसी बड़ी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। वहीं ऐसी बातें भी शोध में सामने आई हैं कि जो पुरुष दिन में लगभग 5 से 6 कप चाय पीते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो देखा आपने, आंटी की चाय पूछने का अंदाज आपके लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके आप चाय के सेवन से बचें और ज़्यादातर चाय पीना पसंद ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पियेंगे तो ये आपको इनडायरेक्टली तौर पर शरीर के लिए हानि पहुंचाएगा। क्योंकि चाय में, जैसा कि सब जानते हैं, एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और तो और इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो चाय से हमें हो सकती हैं। चाय से हमें गैस और एसिडिटी की समस्या अधिक होती है। इसलिए चाय जितना भी हो सके हमें कम से कम पीनी चाहिए ताकि हमारे पेट और हमारे शरीर की सुरक्षा हम खुद कर पाएं और हमें कोई भी परेशानी आगे आने वाले समय में ना हो। इसलिए आंटी के द्वारा ऑफर की हुई चाय से आप तौबा कर लें और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट 9 क्यूरियन हेल्थ टेक्स की रिपोर्ट।